ગયા મેયર પર આજ હમ લોગ રૂપા કી કહાની આગે પઢેંગે હા કલ હમને ક્યા પઢા થા રૂપા દરી નહીં હા રૂપા એક નીડર લડકી થી ઠીક હે એક દિન વહ અપને દોસ્તોં કે સાથ રૂચિ રૂપક ઓર મનીષ કે સાથ ચોર સિપાહી કા ખેલ ખેલ રહી થી તભી ક્યા હુઆ મનીષ ચોર બના થા વહ દૂર કહીં જા કરકે છિપ ગયા મનીષ કો ઢૂંઢતી હુઈ રૂપા ગન્ને કે ખેત મે પહોંચી ઠીક હે વહાં ઉસને ક્યા દેખા મનીષ કે હાથ પાંવ રસ્સી સે બંધે હુએ હૈ ઓર મુંહ પર ભી કપડા બંધા હુઆ થા ઠીક હે ફિર ક્યા હુઆ કિસી ને રૂપા કે કંધે પર હાથ રખા રૂપા ડરી યા નહીં ડરી નહીં ડરી નહીં ડરી તો આજ ઉસકે આગે પઢેંગે ઉસને ઉસ આદમી કે હાથ કો જોર સે કાતા દર્દ કે મારે ઉસ આદમી ને અપના હાથ ખીચ લિયા રૂપા ઉસકી પકડ સે નિકલ ભાગી વહ આદમી દંડા લેકર રૂપા કે પીછે ભાગા ક્યા હુઆ કે જબ કિસી ને રૂપા કે કંધે પર હાથ રખા ના તો રૂપા ડરી નહીં ઉસને ઉસ આદમી કે હાથ મે જોર સે કાટા ઇતની જોર સે કાટા કે ઉસ આદમી કો જબ દર્દ હુઆ તો ઉસને અપના હાથ ખીંચ લિયા તબ તક રૂપા ઉસકી પકડ સે ભાગ નિકલી ફિર વહ આદમી રૂપા કે ભી પીછે આયા વહ ડંડા લેકર रूपा के पीछे भागा चित्र देखिए रूपा भाग रही है ना और यह आदमी डंडा लेकर उसके पीछे है ठीक है आगे भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका निशाना ठीक बैठा उसके सील से खून बहने लगा उसकी आंखों કે આગે અંધેરા છા ગયા વહ લડખડાકર ગીલ પડા ક્યા હુઆ જબ વહ આદમી રૂપા કે પીછે ભાગા ના તો રૂપા કી નજર એક પથ્થર પર પડી रूपा क्या की उसने पत्थर उठाया और जोर से उस आदमी की ओर फेंका निशाना ठीक बैठा उस आदमी को चोट लगी जोरों की और उसके सिर से खून बहने लगा उस आदमी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा फिर क्या हुआ रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया वेरी गुड और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने वह बेहोश हो गया रूपा ने भाग कर मनीष
की रस्सी खोली, दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। वाह, क्या हुआ, जब वह आदमी लड़खड़ा कर गिर गया ना, तो रूपा फिर उसका डंडा लेकर उसे जोर से पिटने लगी, ठीक है, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया। फिर रूपा क्या की, वापस जाकर के मनीष की रस्सी खोली और रस्सी उनके पास थी ही, फिर उन्होंने उस रस्सी से उस दुष्ट आदमी को बांध दिया। फिर रूपा बंगी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट की खचेरू है। उस आदमी का क्या नाम था? खचेरू। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। हाँ, यह चित्र देखिए, इस चित्र को देख रहे हैं? हाँ। जब रूपा और मनीष दोनों मिलकर उस दुष्ट आदमी को उन्होंने जब बांध दिया, तो रूपा इस आदमी की चौकसी करने लगी, मतलब निगरानी करने लगी, और मनीष क्या किया, वह जाकर गांव वालों को बुला लाया। सभी लोग आ गए इस चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए। सभी ने रूपा की साहस की बहुत प्रशंसा की। उन्हीं गांव वालों में से एक आदमी बोला कि अरे यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है और पुलिस इस बदमाश को खोज रही है। समझ में आया आपको? ठीक है, इसके आगे की कहानी कर पढ़ेंगे। बाय।